अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाम का सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है ग्रीन चिली चिकन, और इसकी तरकीब क्या है, बहुत ही मज़ेदार सी जो रेसिपी तैयार होगी हमारी, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 प्याज ले लिए बड़े बड़े से, ठीक है। तो मैंने इन्हें तेल डाल देती हूँ, अंदाजे से मैंने तेल डाल दिया, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मुर्गा है, ठीक है। ये धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं। ये क्योंकि हम पका रहे हैं ग्रीन चिकन तो वो ये ना मैं चुप ग्रीन के ना, चिली चिकन, हाँ जी, ये पुदीना हरी मिर्चें धनिया चुप के ना कूट लेती हूँ, ठीक है। वो मतलब पेस्ट बना लेनी, हाँ जी, पेस्ट बना लेनी है। तो पहले ना प्याज ब्राउन करेंगे ना हम लोग, तो फिर उसके बाद ये फिर मुर्गी डाल के फिर दिखाऊंगी, ये मैं इतने में ना बना के कूट लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आप लोगों ने देख लिया क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपी वो ग्रीन चिकन चिली चिकन है, तो हम लोगों ने ग्रीन मसाले वाला चिकन तैयार करना है। तो ग्रीन मसाले हमने दिखा दी कि हम लोगों ने चिली ली है और हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, हाँ जी। तो फिर नमक भी साथ डालेंगे ना, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पहले प्याज ब्राउन करने हैं, हाँ जी, दही भी डालनी है इसमें, वो दिखा देते हैं, ठीक है। तो दही भी हम लोगों ने डाल दी है इसके अंदर, नहीं तो मैं दिखा ही देती हूँ, हाँ जी। ये दही भी है, तो दही भी हम लोगों ने मतलब एक कप लेनी है, हाँ जी, ये एक कप मतलब नहीं कटोरी है तकरीबन, ये सारी पड़ जाएगी ना, अच्छा जायका आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग प्याजों को ब्राउन करते हैं, हाँ जी, प्याजों को ब्राउन करेंगे। ये हरी मिर्चें धनिया पुदीना मैं चुप के कूट लेती हूँ, तो फिर ये मैं ब्राउन करके ये डाल दूंगी इसमें, लहसुन असर अदरक का पेस्ट, फिर चिकन जैसे पता ही आपको, ठीक है। तो फिर भी बस अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और ये प्याज ब्राउन होने के लिए रखते हैं। तो फिर बस आप लोगों ने देखना कि मज़ेदार सा जो सा ग्रीन चिली चिकन है ये कैसे तैयार होगा। जी ये प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, तो मैं ना अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ इसमें, तो फिर उसे भून के ना पानी डाल के ना गलने के लिए रख देते हैं। एकदम मगर के अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, हाँ जी, इसकी हम लोगों से भुनाई करनी है। और आप लोग देखेंगे प्याज हम लोगों ने कोई ज़्यादा कलर के ब्राउन नहीं किए, हल्के से हमने, क्योंकि हमारी आज की जो सी रेसिपी है वो ग्रीन चिकन है, तो हम लोगों ने ग्रीन चिकन को तैयार करने के लिए ग्रीन मसाला यूज़ करना है। और वो मसाला हम लोगों ने कैसे बनाना है वो हमने आप लोगों को बता दिया, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा आपको पता होगा, हाँ जी, कि हम लोगों ने हरा धनिया पुदीना और जो हरी मिर्च है इसका हम लोगों ने ग्रीन मसाला तैयार करना है। ये देखिए मैंने ना लहसुन अदरक डाल के अच्छी तरह हिला दिया क्योंकि वे पक जाए, ठीक। अब इसको हम लोग गलने के लिए रख देंगे, हाँ जी, अब जब थोड़ा सा भून रही है ना, एक दो मिनट, हाँ जी, दो तीन मिनट भून के ना, दो तीन मिनट भून के ना फिर इसमें पानी डाल दीजिए, देखना कलर भी बदल गया और खुशबू माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आने लगी। अगर मैं ज्यादा काले काले थी तो फिर वो काला काला सा सालन बनेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किए, ये देखे ना ब्राउन ब्राउन सा हो गया, बस इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना। अब मैं पानी डालूँगा, ये नहीं तो अब हम लोग इसको गलने के लिए रख रहे हैं, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं जब हमारे प्याज गल जाते हैं कि आज की मज़ेदार जो सी रेसिपी कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो से हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग आज ग्रीन चिली चिकन बना रहे हैं तो उसके प्याज जो हमने मसाला तैयार करना रख दिए थे पकने के लिए, प्याज जो गल चुके हैं, तो अब हम लोग इसके अंदर क्या शामिल कर रहे हैं मामा, मुर्गी चिकन हम इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने सिंपल ये प्याज जो से इनको लाइट से हम लोगों ने इनको हमने फ्राई किया, कलर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको भून लिया अच्छी तरह से, और फिर इसको गलने के लिए हम लोगों ने रख दिया था। अब जो प्याज है वो मुकम्मल तौर पर गल गया, ये देखिए हम मतलब कितनी अच्छी तरह से वो गल गया, जो उसका मसाला है वो तैयार हो गया है। और आज की जो से हमारी रेसिपी ग्रीन चिकन है, तो हमने ग्रीन चिकन के लिए ग्रीन ही मसाला तैयार करना है। और अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता होगा हम लोगों ने जो ग्रीन मसाला है वो किस तरह तैयार करना है। हम लोगों ने 3 चीज़ें ली थी, हरा धनिया, अच्छा जी, पुदीना और हरी मिर्च, एक चम्मच नमक का नहीं डाला था मैंने, ठीक है, एक चम्मच हमने नमक का डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर लाल मिर्च तो डलेगी नहीं क्योंकि ग्रीन चिकन है ये, हाँ जी, थोड़ा सा जीरा। अब ये ना पानी सूखने का इंतजार करते हैं, फिर ना दही डालते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लेना है, पानी को हम लोगों ने ड्राई कर लेना, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने मम्मा क्या करना है, इसके बाद दही डालनी है, दही डालनी है हमने, दही डालने के बाद फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और उसके बाद लास्ट में जो हमारा मसाला उसको डालेंगे, हाँ जी,
हाँ जी, ये दही डाल दी मैंने। अब ये दही का ना इंतज़ार करते हैं, पानी सूख जाए फिर मसाला डाल के ना फिर भूनते हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह देखिए आप लोग इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हम लोग वेट करते हैं आपको दोबारा दिखाते हैं। व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और आज की हमारी वीडियो को पूरा देखना कि मुझे ताज़ा ग्रीन चिली चिकन कैसे तैयार होगा। हाँ जी, ये ना मैंने हरा मसाला डाल दिया कूट के, ठीक है, आप इसे भूनेंगे अच्छी तरह। हांडी हमारी तैयार। ओके, तो बहुत मज़ेदार सी जो उनकी आज की हमारी रेसिपी तैयार हो रही है ग्रीन चिली चिकन की। तो हम लोगों ने जो ग्रीन मसाला है ये भी डाल दिया है और आप लोगों ने देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस स्टेज पे इसे डाला है कि जब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है तो हम लोग जो उसकी ग्रेवी सी बन गई है, तो उसके बाद हम लोगों ने जो ग्रीन मसाला इसके अंदर शामिल किया है तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और फिर जब हमारी निकल आए ना बस ये भूनेंगे, तो फिर आज की जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ पहले पे क्लिक जरूर करता है आपको मुझे इतना कि अच्छी चीज़ों से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब इसको हम लोग भून लेते हैं और वेट करते हैं इसके ऊपर घी आ जाए, उसके बाद जो सी हमारी आज की डिश है ग्रीन चिली चिकन वो तैयार हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, अब ये जो सी हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और ये इसके अंदर बबल्स भी बन रहे हैं, उसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो उधर आ जाओ आप। तो ये देखने व्यूअर, ये है इसका फाइनल लुक और कितना मज़ेदार सा जो सा हमारा ग्रीन चिली चिकन है तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो व्यूअर्स, ये है इसकी फाइनल लुक और गर्मा गर्म जो सा चिकन है ये तैयार हो गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।